अस्सलाम वालेकुम ओने बिद उमेर की एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट उमेर अलवी और मेरे साथ आज मौजूद हैं फिल्म हीर मांझा की कास्ट और ये वो कास्ट है जिसको आप सपोर्टिंग कास्ट कह नहीं सकते इसलिए बहुत बड़े हैवी वेट्स मौजूद हैं इसके अंदर जिसे आपको नज़र आ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान शेख और उनके साथ मौजूद हैं मोजिज़ हसन और उनके साथ एक साहब मौजूद है जो इंग्लैंड से आए हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, शमाइल नासिर। तो अब इन तीनों से हम बात करेंगे और इससे पूछेंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक साहब की ये तीसरी फिल्म है, एक साहब की ये दूसरी फिल्म है और एक साहब की पहली फिल्म। 3-2-1 तो बहुत मज़ा आएगा इनसे बात करने में। तो आइए इनसे सवाल पूछते हैं कि फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा और तीनों इस वक्त इंसिडेंटली जो हमारे साथ मौजूद हैं तीनों थिएटर के एक्टर हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं आपसे, पहली फिल्म में हीरो, दूसरी फिल्म में साइड कैरेक्टर और तीसरी फिल्म में विलन, मतलब अगली में क्या करने का प्लान है? अब देखें जो आता जाए बस करते जाएंगे। एज अ थिएटर एक्टर मज़ा आता है नए कैरेक्टर्स करने में, कभी भी ये प्रेफरेंस नहीं रही कि पॉजिटिव कैरेक्टर करना है या हीरो करना है। टू मी हीरो इज द मोस्ट बोरिंग कैरेक्टर इन अ फिल्म, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको जब कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है आप उसकी लुक बनाते हैं, उसका स्टाइल बनाते हैं, बोलने का अंदाज बनाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मुझे। आप क्या कर रहे हैं भाई आजकल? टोटल 3 काम कर रहा हूँ इस वक्त, सफर, कोशिश और इंतजार। और वैसे अगर आपसे तमीज से पूछा जाए तो क्या कर रहे हैं? तमीज से मैं अभी हीर मांझा एक फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे, उसकी प्रमोशन पे निकला हूँ। और उसके आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से वाले हीरो हैं? मैं उसका फर्स्ट, फोर्थ, उसमें एक हीरो है हम आपको बता दें, एक हीरो उसका नाम है कबीर। और आमना शेख के साथ भी आपके सीन है, मतलब बहुत आमना शेख को क्या प्रॉब्लम तो नहीं है आपके सीन करते हुए? मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा था, तो मुझे उनका नहीं पता उनको कैसा लगा था, लेकिन लग रही इतनी साइड नहीं थी मुझको वो और फिर आप हरीम फारूक के कैरेक्टर पे भी लाइन मार रहे थे। यस 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 यस, उनका मुझे कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। उनके जो वो आएंगे क्या कहते हैं कबीर जो हीरो है इस फिल्म के, वो उनकी वो हीरोइन है। आप फिर आपसे शमायल बात करते हैं, आप इंग्लैंड से कब आए असल में? क्योंकि मैं तो अभी तक समझ गया कि आप इंग्लैंड से आए, पिंडी, हाँ मुझे आके शौक लगा कि आप पिंडी पिंडी बॉय हैं। तो मतलब कैसे कि अभी तक मैं तो यकीनी मेजोरिटी लोग ये यकीन कर रहे हैं कि आप इंग्लैंड से आए, इनकी असल में इनकी पुप्पी के बेटे हैं। मैं असल में रिसर्च मैंने काफ़ी की थी कैरेक्टर के लिए और एक्सेंट बनाने की कोशिश की थी और काफ़ी वोकल कोचेस देखे थे यूट्यूब पे जो इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब कभी नहीं गए फिर वहाँ? नहीं मैं कभी नहीं गया वहाँ। फिर तो कॉम्प्लीमेंट, अगले आप नहीं गए उसके बावजूद आपने किया है, पहली फिल्म है आपकी? पहली फिल्म, यस। इससे पहले मैंने आपको देखा भी नहीं कभी। थिएटर काफ़ी ज़्यादा किए मैंने एक्चुअली और पीटीवी पे एक ड्रामा किया था। तो बस तो अच्छा, इस फिल्म के अंदर जो है आप दोनों तो पर्ची में भी थे और आप पर्ची के में हो सकते थे नहीं थे, हाँ। तो अब सीन ये है कि ये तो ये फिल्म है, ये बिल्कुल ईद की फिल्म तो कहीं से भी नहीं लग रही और इसमें नए लोग ज़्यादातर हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि विलन, साइड हीरो का फूफी का बेटा? अच्छा मेरे नज़दीक तो ये भरपूर ईद फिल्म है, बिकॉज इसमें आप ईद के मौके पर क्या करते हैं, सारे फैमिली लोग वाले लोग जमा होते हैं और एक इंटरटेनमेंट का प्लान करते हैं, तो हमारी फिल्म में इतनी इंटरटेनमेंट है कि अगर लोग जाके देखेंगे ईद पर तो उनको हर चीज़ मिलेगी उसमें, क्योंकि आपके पास सारा रोमांस है इसमें, आपके पास एक अच्छी कॉमेडी है, ज़बरदस्त गाने हैं, गाने हमारे रिलीज़ हो चुके हैं, हो भी रहे हैं साथ साथ, और सारे इमोशन हैं इसमें और जितने कैरेक्टर्स हैं मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको लगेगा यार ये मैं इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ, खास तौर पे कबीर और हीर का जो कैरेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा, अल्लाह ना करे कोई जैरी के कैरेक्टर से या विजदान के कैरेक्टर से रिलेट करे। आपके कैरेक्टर से बहुत लोग रिलेट करेंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा? पता नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हीर और कबीर के कैरेक्टर से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं फेसबुक पे एक अदद, वो उनको मैं बोलता हूँ क्या कहते हैं आजिस, उनको हर चीज़ से मसला होता है, तो मैं उनको हमेशा जब भी कोई चीज़ किसी मतलब कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट भेजता हूँ ना तो उनके वो वाले रिप्लाई आते हैं कि ये वो और पता नहीं हर चीज़ में ना ये चीर पाट। तो मैंने अब की बार ट्रेलर आया तो मैंने कहा चलो भाई को भेज देता हूँ, मुझे पता था आगे ना गालियाँ और तुम लोग ये वो, तो भाई का पहली बार इतफाक़ उनका रिप्लाई नहीं आया, सबसे पहले उन्होंने शेयर किया फेसबुक पर और उन्होंने बोला कि इस ईद में फिल्म देखने आऊँगा, तो मैं भी शंट हो गया था। उनका नाम मैं ले सकता हूँ? ले लूँ। हाँ शहरोज नाम है मेरे दोस्त ने, वो बहुत ही मतलब उनको हर आपको तो ऑस्कर मिल गया तो भरपूर ही थी बिल्कुल। और आपका पहला एक्सपीरियंस फिल्म का? मेरा
काफ़ी एजुकेशनल था मेरे लिए, क्योंकि एक थिएटर का एक्टर जब फिल्म में आता है तो काफ़ी एक्टिंग में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि थिएटर में आप बहुत एग्जैजरेटेड एक्टिंग कर रहे होते हो. बिल्कुल. और हर एक्सप्रेशन बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से दिया जाता है, जबकि फिल्म में बहुत सटल तरीके से हर चीज़ को आपने, कॉमेडी भी बनाना है जहरी बात है, लेकिन उसको बहुत सटली आपने बनाया. कहीं ये नहीं, बड़ा एक डेंजर होता है कि ये चीज़ ओवर हो जाए और बुरा लगे स्क्रीन पर, तो वो एक चैलेंज था वो मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे आसपास बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर्स थे जो ट्रांजिशन ये कर चुके थे, तो रिहर्सल टाइम में वो बड़ी हेल्प हो गई थी कि अच्छा नहीं कम करो, थोड़ा वॉल्यूम इसमें कम करो, तो बड़ा एक मेरे लिए एज एन एक्टर मेरे लिए काफ़ी एजुकेशनल. सबसे ज़्यादा तंग किसने किया फिल्म के दौरान? मुझे पता है किसने किया, लेकिन आप बताएं. मुझे तंग नहीं किसी ने किया. आपको, आपको भी पता किसने तंग किया सबसे ज़्यादा? जी पता नहीं कौन था, लेकिन ये कि वैसे कोई मेरा भाग नहीं हुआ, कोई तंग हुआ. टीम बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट इनके साथ, मेरा भी, मोजिस का भी, तो तंग करने वाला सीन कम होता है. तुमने सबसे ज्यादा तंग किसको किया? तुमसे सवाल ही दूसरा किया. तुमसे सवाल क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आना होगा. इमरान भाई, हरीम, असफर भाई, राणा भाई, फजान भाई, अली भाई, नहीं किया ज्यादा छोटी लिस्ट, आमना शेख, सबको पता है. हां उनको कर नहीं सकते थे वहां, तो भाई मतलब सीन से पहले चिंगम खाई हुई है वो रेडी ना बिल्कुल के जानी, आज तो कुछ भी चिंगम क्यों खा रहे वो कैरेक्टर में ना यार. अच्छा, ओ पुराने आदमी थिएटर के. मेथड एक्टिंग. अच्छा एक और चीज़ जो है कि हमारे पास जो पाकिस्तानी फिल्में आती हैं में गाने होते हैं, उसमें डांस होता है, और डांस की जहाँ बात होती है तो आपसे अच्छा डांस मैंने तो किसी को करते हुए देखा नहीं, तो फिल्म में डांस किया है? सो काइंड ऑफ यू. जी मैंने किया है, एक गाने पर डांस किया है मैंने, लेकिन वही वाली बात है जैसे मोजित और शुमाइल ने कहा कि क्योंकि सब लोग थिएटर्स हैं तो माशाल्लाह सबका होमवर्क बहुत अच्छा है इस वक्त. ये डांस इनका नहीं, ये तो नहीं कर सकते सर. आपकी सोच है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे डांस नहीं कर सकते तो आप जरूर हैरान होंगे. आप देखिएगा सबने बड़ा पूरी प्रेप के साथ काम किरदार दिया गया था उस वक्त उस डांस में, उसमें जहां तक कर सकते थे उन्होंने भरपूर किया, लेकिन मैंने शुगल किया उसके अंदर. आप देखिए हाँ, दूल्हा जो आप बने. यस वो तो अभी हो गया. हाँ हो गया, लेकिन अभी उसका जो आप फिल्म में वर्जन देखेंगे तो आपको और शुगल आएगा. अच्छा इस फिल्म के अंदर सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैमियो अपीयरेंसेस सबकी हैं. जी बिल्कुल. बहुत सारे लोगों की, उसमें कुछ तो ऐसे जो आप लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं. सबसे ज़्यादा मज़ेदार किसकी लगी अपीयरेंस? सबसे ज़्यादा मज़ेदार, अच्छा मेरे साथ बहुत कम लोगों का कैमियो हुआ, जाहिर है आप तो विलेन हैं. हाँ तो मेरे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं उस बात का, लेकिन जाहिर सी बात है सारे इतने बड़े नाम हैं उसमें, सब बहुत मुश्किल है गैस करना कि सबसे अच्छा कैमियो किसका. चलो तीन के बता दो. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ, आई कुड से आबिद साहब, ये यकीनन आबिद साहब का तो प्रॉपर एक्टर है. अच्छा प्रॉपर रोल सारे हैं, ये जो कैमियोज है ना ये प्रॉपर हैं सारे, मतलब कोई जबरदस्ती वाला कोई भी नहीं मिलेगा. अच्छा हाँ तो आबिद साहब, आमना जी और सलीम भाई, सलीम मिराज, हर कैमियो स्टोरी को आगे प्रोग्रेस करा रहा है. और तुम्हें? मैं आमना शेख उसके अलावा, आपने उसके अलावा मिकाल अहमद अली अकबर, और मैं अहमद का नाम भूल ये दोनों बिल्कुल मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब मेरा अहमद के साथ तीन था तो मैं तो बस आपकी सोच रहा हूं, वो तो इतना मजा आ रहा है हम लोग बैठे पे बातें कर रहे हैं सीन, और मजा सीन आपको मजा आएगा. अहमद बहुत अच्छे हैं. और तीसरा? और तीसरा कंफ्यूजिंग है सलीम भाई. हां सलीम भाई, तीसरा सलीम भाई फॉर श्योर. फिल्म के अंदर स्टंट्स भी हैं, जैसे फाइटिंग सीक्वेंस एक आपका है, जैसे वो क्या कहते हैं उसकी वाला सेगा के गेम्स की तरह जो है चिंग 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 पॉइंट्स बन रहे हैं उसमें, इसी तरह से आपका भी कुछ सीन से फाइटिंग तो नहीं है लेकिन आप गोली खाने के लिए तैयार हो गए नजर तो ये आया, अंदाजा ये हो रहा है कि बहुत कुछ फिल्म में इतना कुछ है कि सोच आपकी सर. तो ये हमारी फिल्म में होता नहीं है, ये बिल्कुल एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. तो कैसा लगा गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी ने दरवाजा तोड़ दिया? मैं ये एग्जांपल दूंगा, इनको तो ज्यादा मजा आया होगा, इनके पास गाड़ी ऐसी वैसी थी, मैं तो वहीं पे बोल रहा था, लेकिन हमारी भी कोई हल्की नहीं थी, हमारी गाड़ी भी शोधी थी, आपने देखी होगी. जैसे ही गाड़ी में बैठे थे ना सर, उनकी शक्ल भी ऐसी बन गई विलन की तरह, कुचल दूंगा, क्योंकि वो गाड़ी थी ऐसी, हमारी गाड़ी इतनी लो प्रोफाइल थी, उसके इतने पटपटे टायर थे हमारी गाड़ी के, और उनकी गाड़ी का इतना बड़ा बड़ा टायर था, ये मैं वो बता रहा हूँ क्या रेडियस, अब डायमीटर मिला तो ये वाला सेटअप, तो ट्रेल बाइकें वगैरह, तो बड़ा मजा आ रहा था वो शोधागिरी में, आपके लिए पूरी रोडें ब्लॉक हुई हुई हैं और आप उस पर शोधागिरी कर रहे हैं, नीचे मार रहे हैं, वो बड़ा चीजें होती नहीं है वैसे हमारे यहाँ. हाँ मैं एक चीज कोट करूँगा जो अक्सर असफर भाई भी कहते हैं कि जब उनसे इस फिल्म के बारे में पूछा जाता है कि जनान और पर्ची से जो कुछ अखज कर सकते थे ना हम लोग निकाल सकते थे, वो हमने इसमें डाला है.
तो आपको बड़ा मजे का मिक्सचर मिलेगा, जो चीजें हमने जो एक्शन जो बच गया वो तो नहीं डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है, जो एक्शन हमने पर्ची से निकाला या जो इमोशंस हमने जनान से निकाले वो इसमें, तो आपको यकीनन बहुत मजा आएगा इसमें, सारे सारे पैकेज मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कि ओवरऑल एक्सपीरियंस फिल्म का, चूँकि तुम दो फिल्में ऑलरेडी कर चुके हो और आप माशाल्लाह एक कर चुके हैं और आपकी पहली है, कैसा रहा कि मतलब दोबारा करने का मूड है कोई फिल्म या फिर yes. नहीं यार मज़ा नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत मज़ा आता है इन लोग के साथ, तो बिल्कुल अब जैसे कहते हैं ना कि एक टीम बन जाती है, फैमिली जैसा माहौल हो जाता है, हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हर टीम मेम्बर को साथ लेके चलते हैं, उसमें हर किसी का इनपुट होता है, तो यकीनन मज़ा आता है ऐसी टीम के साथ काम करने में, और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मुझे तो फैजान भाई ने सीन बाय सीन बड़ी हेल्प की है, तो मैं तो वैसे ही हूं जब सीनियर आदमी यार। कौन आप सीनियर हैं उनसे? क्यों कैसे किस तरह से कब किया था? 2000 नहीं नहीं, आप मुझसे बात कब किया था? 12 में किया था ना, तो सीनियर हो ना। आपने कब किया था? आप तो उसमें से थे, वो जो कौन सा था उसमें आप वो बने थे, क्या था आप बताते हैं? मैंने 2012 जनवरी में पहली दफा, ये भी 12 है, 12 अगस्त बराबर है। अरुण वर्जुन क्या? करण अर्जुन। करण अर्जुन, अरुण वर्जुन, अरुण वर्जुन, सॉरी। नाइस। और आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में काफी लोगों की कंप्लेन भी थी कि यही टीम वापस दोबारा आपस में काम करी, लेकिन मुझे लगा ये काफी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो इन सब ने पिछले फिल्म्स में किया था वो आगे लेके आया, और बहुत जेल टुगेदर थी टीम एज ए न्यू कमर। जो आप मतलब मेरे लिए तो सब चीज़ें नहीं है, मेरे लिए कैमरा वर्क, कैमरा ढूंढना मेरे लिए नया है, उसमें एक्टिंग करना मेरे लिए नया है, तो अ टीम विच इज़ मच मोर जेल टुगेदर इज़ मच ईजियर टू वर्क विद देन अ न्यू टीम, और वो पता चल रहा था कि दे वर एक्सपीरियंस, दे नो वट दे नीडेड टू डू, और मेरे लिए काफ़ी ईजी था कि मेरा गोल सही था कि अच्छा मैंने ये काम करना है, इस तरह करना है, और आप टीम के पेस पर चलना शुरू करते हो, और वो वही टीम हो सकता है, उसी टीम के साथ हो सकता है जो पहले एक एक्सपीरियंस टीम हो, वरना मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होता, वरना स्पेशली फॉर अ न्यू एक्टर। अगर आप तीनों में से तीनों को बिठाया जाए, कहा जाए इंटरचेंज करने रोल, तो किसका रोल करना चाहेंगे? बलदान विजदान रामजी। वो कौन है? मेरा। अच्छा, और तुम? विजदान। विजदान उसने कह दिया, तुमने भी कह दिया? क्या नहीं, इससे पहले कहा था, लेकिन विजदान पहले कहा। जो मतलब मैं वैसे अगर ऑनेस्टली होता हूं तो मैं हरीम फारूकी का कैरेक्टर प्ले करना था। हरीम फारूकी कौन है भाई? हरीम फारूक। अगली फिल्म जो निकाल देंगे गलत नाम लेने पे, दो दफा गलत नाम लिया चल रहा है इनका, ये इंटरनल लोग हैं, छेड़ता हूं हरीम फारूकी। मुझे बता, अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है आप हरीम फारूकी, तुम्हें कौन कहेगा हरीम फारूकी है? तुम तो किसी अदा से नहीं हरीम फारूकी। नहीं, हरीम फारूक को जब कोई हरीम फारूकी, उनको कहना होगा, उनको कह देंगे जाके ना, आपको ये में क्यों लेके आएंगे। तो भाई अच्छा, तो आपने कैरेक्टर एंटर स्विच, आपने लिमिटेशन नहीं बताई थी कि आप वही कैरेक्टर कर सकते हैं जो आपका हुआ है? सर सर। अच्छा, और दूसरा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रमोशन जो होती हैं वो हमारी एक तरह से हमारी एक नई चीज़ फिनोमेना है, तो उसमें कैसा लग रहा है मॉल्स के अंदर जाके? ये तो हीरो हैं, इनको तो छोड़ दीजिए, अब ये विलन है इस फिल्म के अंदर, ये हीरो वाली फिल्मों में कर चुके हैं, लोग तो आके मतलब गालियाँ देते हैं कि क्या क्या यार, कि क्यों लड़की को तंग कर रहे हो बैठे हुए, किसी ने कहा तो होगा यकीन? ये तो नहीं कहते क्यों तंग कर रहे हो, लेकिन यकीन ये सवाल हुआ है मुझसे 2-3 दफ़ा कि आपने इतना नेगेटिव कैरेक्टर क्यों किया, क्योंकि लोग कॉमिक ज़्यादा वो पसंद करते हैं जो काम मैं करता रहा, तो कहते हैं आपने ये क्यों कर लिया। कल ही की बात है, एक साहब ने मुझे बाकायदा पकड़ के लेक्चर दिया कि हम तो आपको पसंद करते हैं और आप तो हंसाते हैं, ये आपने क्या कर लिया, मैं तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा एज अ विलन। मैंने कहा सर मैं कैरेक्टर हूं और जिस मुझे मैं तो ढूंढ रहा हूं कि वर्सेटिलिटी दिखाने का मौका मिले, और इस टीम ने अगर मुझे अप्रोच किया तो मुझे अच्छा लगा कि इनको इतना लगा कि मैं कर सकता हूं, तो इट्स माय जॉब कि मैं इसको प्रूव करूं। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लगता आप कर सकेंगे। मैंने कहा तो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ब्लंट थे। तो मैंने कहा मेरी कोशिश है। प्रमोशंस पे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहला जब मैं पर्ची के अंदर प्रमोशंस पे था तो मेरे लिए तो ये लोग बहुत स्पीड तेज थी, मतलब कि माइक पकड़ के एकदम से और सब कैसे हैं, मतलब मैंने प्रमोशन उस टाइप की ठंडी ठंडी देखी थी कि यूँ करके सोफे पे चार लोग बैठे हुए हैं खूबसूरत खूबसूरत जो हमारी हीरोइनें होती हैं और ये बैठी हुई, जी जी आपका नेक्स्ट सवाल क्या है और ये वाली ना, तो मैंने कहा जानिए तो सीन ऑन है, ये तो हो जाएगी। हम इन लोग के साथ गया तो ये लोग तो ग्लैडिएटर वाला माहौल हो, पर्ची पर्ची, और मैं यूँ ना डरा सहमा हुआ, तो मुझे उससे बड़ा सीखने को मिला और मुझे लगता था ये बहुत अब, तो मैंने फिर गेम अप की अपनी वहाँ पर, और वहाँ पर नई नई चीजें सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, वो नई नई चीजें मतलब, और हर दिन कुछ नया कर रहे हैं ना कि अभी इस तरह प्रमोशन करते हैं, इतना करते हैं, माइक लेके भाग गए नीचे, लोगों में कूद गए, जैसे इस साल हम लोग पहली बार किसी प्रमोशन में एक हमारा रैप गाना आएगा, हम रैप करते हैं, असफर भाई, प्रधान भाई, मैं, शाम लाला, हरीम फारूकी और अली रहमान खान, सब मिलके हम लोग रैप करते हैं लाइव ऑडियंस के साथ,
और फिर पब्लिक में जाके उनके साथ भी गाते हैं, तो मतलब हम हर चीज बड़ा देश जाते हैं। हमारी प्रमोशन बड़ी डिफरेंट है, हम वो जाके नहीं कहते कि जी हम आए हैं और बस ये पोस्टर बस हमारी फिल्म देखने गए, ऐसा नहीं करते हम। गाने चल रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ डांस भी करें, हम डांस भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कोई एक्ट भी कर ले, हम जो हमारा गाना है हम खुद गाते हैं, हम कोशिश करते हैं लोगों में जाएं, तो ज़रा डिफरेंट सीन है हमारा। वेरी गुड। और आपको? मेरा तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में जो मोजेस के साथ पर्ची में हुआ, मेरे साथ अब हो रहा है कि मैं थोड़ा, इट्स वेरी न्यू टू मी कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग, लेकिन ये कि क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं होते, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा होता है तो आपको मैं थोड़ा सहम मतलब थोड़ा डर सा जाता हूँ कि अच्छा अब क्या करना है, अच्छा अब शुगली होना है, अच्छा अब सीरियस होना है, कोई ऐसी बात ना कह दूँ जो बुरी लगे किसी को या इस तरह मेरी इतनी अच्छी बात भी, क्योंकि लोगों को बुरी लग जाएगी जो आज कोई है नहीं। बहुत ज़बरदस्त है, आप तीनों से बात करके बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह, और आपकी जो फिल्म है वो ईद उज़ा पे आ रही है जी, बिल्कुल, और जाके देखेंगे। आप कोई मैसेज हो तो वो आप रिकॉर्ड करा दीजिए लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि हमारी फिल्म ज़रूर आके देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और हमेशा वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सी यू। और जी हीर मांझा आ रही है ईद उज़ा पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जाकर देखें, एक फैमिली एंटरटेनर है और उसमें बड़ी मेहनत और बड़ी प्यार से हमने बनाई है, तो हम चाहते हैं फन फिल्म, फन फिल्म, भरपूर फिल्म। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, मौजूद हसन को फॉलो करें, और इस्माइल लाला को भी। थैंक यू।